स्कंद पुराण के काशी खंड के पूर्वार्ध में अगस्त जी का श्री शैल पर कार्तिकेय जी की सेवा में जाना और उनके मुख से काशी की महिमा का श्रवण करना। व्यास जी कहते हैं, सूत इस प्रकार काशी की महिमा सुनाते हुए अगस्त जी ने अपनी पत्नी के साथ श्री पर्वत की परिक्रमा करने के पश्चात कार्तिकेय जी के सुंदर एवं विशाल वन को देखा। वहां लोहित नाम का पर्वत है। उस पर्वत के समीप मुनि श्रेष्ठ अगस्त ने अपनी पत्नी के साथ 6 मुखों वाले साक्षात कार्तिकेय जी का दर्शन किया और पृथ्वी पर दंड की भांति पड़कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। तत्पश्चात हाथ जोड़कर वैदिक सूक्तों तथा अपने बनाए हुए स्तोत्र द्वारा उनकी स्तुति की। स्तुति के पश्चात नमो नमः कहते हुए कार्तिकेय जी की 2-3 बार परिक्रमा करके उनके द्वारा बैठने की आज्ञा मिलने पर वे उनके सामने बैठे। तब कार्तिकेय जी ने कहा, देवताओं के मुख्य सहायक मुनिवर अगस्त जी कुशल तो है ना, आप यहां आए हैं ये मुझे मालूम हो गया था। विंध्याचल पर्वत ऊंचा उठ गया था इसका भी मुझे पता है। वास्तव में कुशल तो अविमुक्त नामक महाक्षेत्र में ही है जो भगवान त्रिलोचन द्वारा सुरक्षित है और जहाँ साक्षात भगवान शिव मरे हुए प्राणियों को मोक्ष दान करते हैं। भूलोक, भुवरलोक तथा स्वरलोक में अथवा पाताल में या महरलोक आदि ऊपर के लोकों में भी मैंने वैसा उत्तम क्षेत्र कहीं नहीं देखा है। मुनि, यद्यपि मैं अकेला ही सर्वत्र विचरता रहता हूँ तथापि काशी क्षेत्र की प्राप्ति के लिए यहाँ तपस्या करता हूँ, किंतु आज तक मेरा मनोरथ सफल नहीं हुआ। पुण्य दान जप तप तथा नाना प्रकार के यज्ञ द्वारा काशी क्षेत्र मिलने वाला नहीं, उसकी प्राप्ति तो केवल श्री महादेव जी के अनुग्रह से होती है। अत्यंत दुर्लभ काशीपुरी का निवास केवल ईश्वर के अनुग्रह से ही सुलभ है। शरीर प्रतिदिन बूढ़ा होता जाता है, इंद्रियां जर्जर होती जाती हैं और आयु रूपी मृग को मृत्यु रूपी शिकारी अपना निशाना बनाना ही चाहता है। ऐसी दिशा में संपत्ति को विपत्ति जानकर और आयु के विद्युत के समान चपल मानकर मनुष्य काशीपुरी का भलीभांति सेवन करे। जब तक जीवन का अंत ना हो जाए तब तक काशी नहीं छोड़े। बुढ़ापा निकट आ गया है, रोग अत्यंत पीड़ा दे रहे हैं तथापि नाना प्रकार की चेष्टाओं में लगा हुआ देहधारी जीव काशी का सेवन करना नहीं चाहता। अर्थोपार्जन का उपाय किए बिना भी धन प्राप्त हो सकता है, ये एक निश्चित बात है। अतः धन की चिंता छोड़कर एकमात्र धर्म की शरण लें। धर्म से स्वर्ग भी सुलभ है परंतु एक काशीपुरी अत्यंत दुर्लभ है। पाशुपत योग मोक्ष का साधन है। प्रयाग में गंगा जमुना के संगम का सेवन भी मुक्तिप्रद है तथा उससे भी बढ़कर अविमुक्त क्षेत्र है जो अनायास मोक्ष देने वाला है। प्रतिदिन अविच्छिन्न रूप से वेदों का पाठ, मंत्रों का जप, अग्निहोत्र, दान, अनेक प्रकार के यज्ञ, देवताओं की आराधना, त्रिरात्र अथवा पंचरात्र आदि आगमोक्त विधि से उपासना, सांख्य योग और श्री विष्णु की आराधना, ये सभी श्रेष्ठ कर्म मोक्ष के साधन बताए गए हैं। अयोध्या, मथुरा आदि पुरियां भी मरे हुए जीवों को मोक्ष देने वाली बताई गई हैं। ये सभी कैवल्य मोक्ष के साधन हैं, इसमें संदेह नहीं है। अन्य तीर्थ काशी की प्राप्ति कराते हैं और काशी को प्राप्त होकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। इसलिए वह पवित्र क्षेत्र इस ब्रह्मांड मंडल में भगवान विश्वनाथ को सदा प्रिय है। सुव्रत, मैं तो काशी में आने वाली वायु का भी स्पर्श चाहता हूँ। तुम तो साक्षात काशी में रहकर आए हो। जो जितेंद्रिय होकर 3 रात भी काशी में निवास करते हैं उनकी चरण धूलि का स्पर्श अवश्य पवित्र कर देता है। तुम तो वहाँ के निवासी ही थे, अतः तुम्हारे लिए क्या कहना है। ये कहकर कार्तिकेय ने अगस्त मुनि के सब अंगों का स्पर्श किया और ऐसा करके उन्हीं ने अमृत के सरोवर में स्नान करने का सुख पाया। तत्पश्चात जय विश्वनाथ ऐसा कहकर उन्होंने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए और एक क्षण तक भगवान शिव के अनिर्वचनीय स्वरूप का ध्यान किया। ध्यान से निवृत्त होने पर उनसे अगस्त जी ने पूछा, स्वामिन, आप मुझसे काशी की महिमा कहिए,
वे क्षेत्र मुझे बहुत प्रिय है। स्कंद बोले, अगस्त्य, काशी क्षेत्र इस लोक में अत्यंत गोपनीय बताया गया है। वहां सब प्रकार की सिद्धि सन्निकट है, क्योंकि उनमें भगवान परमेश्वर सदा निवास करते हैं। काशी क्षेत्र आकाश में स्थित है, वे इस भूलोक से संलग्न नहीं है, किंतु इस बात को केवल योगी जन देख पाते हैं, अयोगी नहीं। जो पल भर भी अविमुक्त क्षेत्र के प्रति अतिशय भक्ति भाव धारण करता है, उसने मानव ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक बड़ी भारी तपस्या कर ली। उसके द्वारा शिव संबंधी संपूर्ण दिव्य व्रतों का पालन हो जाता है। जो एक वर्ष तक काशी में क्रोध को जीत कर इंद्रिय संयम पूर्वक रहता है, दूसरे के धन से अपने शरीर का पोषण न करके प्राय अन्न का प्रत्याग करता है, पर निंदा से बचता है और प्रतिदिन कुछ न कुछ दान करता रहता है, उसने पूर्व जन्म में सहस्त्रों वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या की है, ऐसा मानना चाहिए। जो काशी क्षेत्र के महात्म को जानने वाला मनुष्य जीवन भर काशी वास करता है, वह जन्म मृत्यु का भय छोड़कर परम गति को प्राप्त होता है। जो मृत्यु पर्यंत काशी का प्रत्याग नहीं करता, उसकी केवल ब्रह्म हत्या ही नहीं दूर होती, अविद्या भी दूर हो जाती है। जो अनन्य चित्त होकर काशी क्षेत्र को नहीं छोड़ता, वह जरा मृत्यु तथा गर्भवास के अत्यंत दुस्सह दुख को त्याग देता है। जो बुद्धिमान मानव इस पृथ्वी पर फिर जन्म लेना नहीं चाहता, वे देवताओं तथा ऋषियों द्वारा सेवित काशी क्षेत्र का कभी त्याग नहीं करे। अंतकाल में वात से पीड़ित हुए मनुष्य के मर्म स्थान जब विदीर्ण होने लगते हैं, उस समय वह अपने शुद्ध बुद्ध खो बैठता है। इसी समय साक्षात भगवान विश्वनाथ प्राण त्याग काल में उपस्थित हो उस मुमुक्षु जीव को तारक मंत्र का उपदेश देते हैं, जिससे वह शिव स्वरूप हो जाता है। अतः अतिशय पापों से भरे हुए इस मानव शरीर को अनित्य जानकर मनुष्य संसार भय का नाश करने वाले काशी क्षेत्र का सेवन करें। जो विघ्नों से आहत होने पर भी काशी क्षेत्र का त्याग नहीं करता, वह मोक्ष संपत्ति को पाकर ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां दुख का सर्था अभाव है। अतः कौन ऐसा बुद्धिमान पुरुष है जो बड़े बड़े पाप पुंज का नाश तथा पुण्यों की वृद्धि करने वाली और अंत में भोग एवं मोक्ष देने वाली काशीपुरी का सेवन नहीं करेगा? अविमुक्त क्षेत्र के महात्म्य का मैं केवल 6 मुखों से किस प्रकार वर्णन कर सकता हूँ, जबकि शेषनाग सहस्त्र मुखों से भी उसका वर्णन करने में असमर्थ है। स्कंद पुराण के काशी खंड के पूर्वार्ध में काशी की उत्पत्ति की कथा, काशी और मणिकर्णिका का महात्म्य। अगस्त्य ने पूछा, भगवान, ये अविमुक्त क्षेत्र इस भूतल पर कब से प्रसिद्ध हुआ और किस प्रकार ये मोक्ष देने वाला हुआ? तो स्कंद जी बोले, मुने, मेरे पिता महादेव जी ने माता पार्वती को इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया था। महाप्रलय काल में समस्त चराचर प्राणी नष्ट हो गए थे, सर्वत्र अंधकार छा रहा था, सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र दिन रात आदि कुछ भी नहीं था, केवल वह सत्य स्वरूप ब्रह्म ही शेष था, जिसका श्रुति एकम एवं द्वितीयम कहकर वर्णन करती है। वह मन और वाणी का विषय नहीं है, उसका ना कोई नाम है ना रूप है। वह सत्य ज्ञान अनंत आनंद स्वरूप एवं परम प्रकाश में है, वहां किसी भी प्रमाण की पहुंच नहीं है। वे आधार रहित निर्विकार एवं निराकार है, निर्गुण योगिगम्य सर्वव्यापी एकमात्र कारण निर्विकल्प कर्मों के आरंभों से रहित माया से परे और उपद्रव शून्य है। जिस परमात्मा के लिए इस प्रकार विशेषण दिए जाते हैं, वे कल्पांत में अकेला ही था। कल्प के आदि में उसके मन में ये संकल्प हुआ, मैं 1 से 2 हो जाऊं। अतः यद्यपि वह निराकार है, तो भी उसने अपनी लीला शक्ति से साकार रूप धारण किया।
परमेश्वर के संकल्प से प्रकट हुई वह द्वितीय मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से युक्त सर्व ज्ञानमयी शुभ सर्वव्यापक सर्वस्वरूप सबकी साक्षी सबको उत्पन्न करने वाली और सबके लिए एकमात्र वंदनीय थी। उस निराकार पर ब्रह्म की वह मूर्ति मैं ही हूं। प्राचीन और अर्वाचीन विद्वान मुझे ईश्वर कहते हैं। तंत्र साकार रूप में प्रकट होकर भी मैं अकेला ही स्वेच्छा के अनुसार विहार करता रहा। फिर अपने शरीर से कभी अलग ना होने वाली तुम प्रकृति को मैंने अपने ही विग्रह से प्रकट किया। तुम ही प्रधान प्रकृति गुणमयी माया हो। तुम्हें बुद्धि तत्व की जननी तथा निर्विकार बताया जाता है। फिर एक ही समय मुझ काल स्वरूप आदि पुरुष ने तुम शक्ति के साथ उस काशी क्षेत्र को भी प्रकट किया। स्कंद कहते हैं मुने वह शक्ति प्रकृति कहीं गई है और ईश्वर को परम पुरुष कहा गया है। वे दोनों परम आनंद स्वरूप से उस परम आनंद में काशी क्षेत्र में रमण करने लगे। उस क्षेत्र का परिमाण 5 कोस का बताया गया है। मुनि परले काल में भी उन दोनों शिव पार्वती ने उस क्षेत्र का कभी त्याग नहीं किया है, इसलिए उसे अविमुक्त क्षेत्र कहते हैं। जब ये भूमंडल नहीं रहता और जब जल की भी सत्ता नहीं रह जाती, उस समय अपने विहार के लिए जगदीश्वर शिव ने इस क्षेत्र का निर्माण किया है। कुंभज काशी क्षेत्र के इस रहस्य को कोई नहीं जानता। ये काशी क्षेत्र भगवान शिव के आनंद का हेतु है, इसलिए उन्होंने पहले इसका नाम आनंद वन रखा था। उस आनंद कानन में इधर उधर जो संपूर्ण शिवलिंग हैं, उन्हें आनंद कंद के बीजों के अंकुर की भांति जानना चाहिए। तंत्र भगवान शिव ने सच्चिदानंद रूपनी जगदम्बा के साथ अपने बाएं अंग में अमृत की वर्षा करने वाली दृष्टि डाली। तब उससे एक त्रिभुवन सुंदर पुरुष प्रकट हुआ जो परम शांत सत्गुण से पूर्ण समुद्र से भी अधिक गंभीर और क्षमावान था। उसके अंगों की कांति इंद्रनीलमणि के समान श्याम थी। नेत्र विकसित कमल दल के समान सुंदर थे। उसने स्वर्ण रंग के 2 सुंदर पीताम्बरों से अपने शीर को आच्छादित कर रखा था। वह सुंदर एवं प्रचंड युगल बाहु दंडों से शोभित था। उसके नाभि कमल में बड़ी उत्तम सुगंध फैल रही थी। वह अकेला ही संपूर्ण गुणों का आश्रय और अकेला ही समस्त कलाओं की निधि था। वह एक ही सब पुरुषों से उत्तम था, इसलिए पुरुषोत्तम कहलाया। तत्पश्चात महामहिमा से विभूषित उस महान पुरुष को देखकर महादेव जी ने कहा, अच्युत तुम महाविष्णु हो, तुम्हारे निश्वास से वेद प्रकट होंगे और उनसे तुम सब कुछ जानोगे। उनसे ऐसा कहकर भगवान शिव शिवा के साथ पुनः आनंद कानन में प्रवेश कर गए। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने क्षण भर ध्यान में तत्पर होकर तपस्या में ही मन लगाया। उन्होंने अपने चक्र से एक सुंदर पुष्करणी खोदकर उसे अपने शीर के पसीने के जल से भर दिया। फिर उसी के किनारे घोर तपस्या की। तब शिवजी पार्थ जी के साथ वहां प्रकट हुए और बोले, महाविष्णु वर मांगो। श्री विष्णु बोले, देव देव महेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं सदा भवानी सहित आपका दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान शिव बोले, एवं मस्तु जनार्दन, इस स्थान पर मेरी मणि जड़ित कर्णिका मणि में कुंडल सिर गिर पड़ी है, इसलिए इस तीर्थ का नाम मणि कर्णिका होगा। श्री विष्णु ने कहा, प्रभु यहाँ मुक्ता में कुंडल गिरने से ये उत्तम तीर्थ मुक्ति का प्रधान क्षेत्र हो। यहाँ शिव स्वरूप अनिर्वचनीय ज्योति प्रकाशित होती है, इसलिए इसका दूसरा नाम काशी प्रसिद्ध हो। 4 प्रकार के जीव समुदाय में ब्रह्मा से लेकर कीट तक जितने भी जीव हैं वे सब काशी में मरने पर मोक्ष को प्राप्त हों तथा इस मणिकर्णिका नामक क्षेत्र
श्रेष्ठ तीर्थ में स्नान संध्या जप होम वेद अध्ययन तर्पण पिंडदान गौ भूमि तिल स्वर्ण अश्व दीप अन्न वस्त्र आभूषण और कन्या इन सब का दान अनेक यज्ञ व्रत उद्यापन वृक्ष उत्सर्ग और शिवलिंग आदि की स्थापना इत्यादि शुभ कर्मों को जो बुद्धिमान मनुष्य करे उसके उस कर्म का फल मोक्ष हो। जो है जो होगा और जो हो चुका है उस सब से ये श्रेष्ठ अधिक ये क्षेत्र अधिक एवं शुभ उदयकारी हो। काशी का नाम लेने वाले लोगों के भी पाप सदा ही क्षय हो जाए। श्री महादेव जी बोले, महाबाहु विष्णु, तुम नाना प्रकार की यथा योग्य सृष्टि करो और जो पाप के मार्ग पर चलने वाले दुष्ट आत्मा हैं उनका संहार करने के कारण बनो। ये 5-5 कोस का लंबा चौड़ा क्षेत्र काशी धाम मुझे बहुत प्रिय है। यहाँ केवल मेरी आज्ञा चल सकती है, यमराज आदि दूसरों की नहीं। अविमुक्त क्षेत्र में निवास करने वाले पापी जीवों का भी मैं ही शासक हूँ, दूसरा नहीं। काशी से 100 योजन दूर रहकर भी जो इस क्षेत्र का मन ही मन स्मरण करता है वे पापों से पीड़ित नहीं होता। काशी में पहुंचकर मनुष्य उसके पुण्य से मोक्ष पद का भागी होता है। जो मन इंद्रियों को वश में रखकर काशी में बहुत समय तक निवास करके भी देवयोग से अन्यत्र मृत्यु को प्राप्त होता है वह भी स्वर्गीय सुख भोगकर अंत में काशी को प्राप्त होकर मोक्ष संपत्ति को पा लेता है। जो भगवान विश्वनाथ की प्रसन्नता के लिए काशी में न्यायपूर्वक धन देता है अथवा निधन मृत्यु को प्राप्त होता है वह धन्य है और वही धर्म का ख्याता है। 5 कोस का लंबा चौड़ा संपूर्ण अविमुक्त क्षेत्र विश्वनाथ नाम से प्रसिद्ध एक ज्योतिर्लिंग स्वरूप है, ऐसा जानना चाहिए। जैसे आकाश के एक देश में स्थित होने पर भी सर्वगत सूर्य मंडल सबको दिखाई देता है, उसी प्रकार विश्वनाथ केवल काशी में स्थित होकर भी सर्वव्यापी होने के कारण सर्वत्र उपलब्ध होते हैं। जो क्षेत्र की महिमा को नहीं जानता, जिसमें श्रद्धा का श्रद्धा अभाव है, वह भी यदि समय के अनुसार काशी में प्रवेश कर गया तो निष्पाप हो जाता है और यदि वहां उसकी मृत्यु होगी तो वह भी मोक्ष प्राप्त कर लेता है। काशी में पाप करके भी मनुष्य यदि काशी में ही मर जाए तो पहले रुद्र पिशाच होकर वह पुनः मुक्ति प्राप्त कर लेगा। इस शरीर को नाशवान जानकर और गर्भवास के समय होने वाली वेदना को याद करके धन धान्य से संपन्न राज्य को भी त्याग कर निरंतर काशीपुरी का सेवन करना चाहिए। अभी मैं नौजवान हूँ, अभी मेरी मृत्यु बहुत दूर है, ऐसी बात चित्त में कभी नहीं लानी चाहिए। वृद्धावस्था को प्राप्त होने के पहले ही पुरानी झोंपड़ी की तरह अपने तुच्छ ग्रह को त्याग करके शीघ्र शंकर जी की पुरी काशी की यात्रा करनी चाहिए। स्कंद पुराण के काशी खंड के पूर्वार्ध में श्री गंगा जी की महिमा। श्री महादेव जी कहते हैं, विष्णु, सूर्य वंश के महा तेजस्वी परम धार्मिक राजा भगीरथ अपने पितामह का उद्धार करने की इच्छा से तपस्या के लिए पर्वत श्रेष्ठ हिमवान को गए। हरे, ब्राह्मण की शापाग्नि से दग्ध होकर बड़ी भारी दुर्गति में पड़े हुए जीवों को गंगा के सिवा दूसरा कौन स्वर्गलोक में पहुंचा सकता है, क्योंकि वह शुद्ध विद्या स्वरूप इच्छा ज्ञान एवं क्रिया रूप 3 शक्तियों वाली दयामयी आनंद अमृत रूपा तथा शुद्ध धर्म स्वरूपनी है। जगदात्री परम ब्रह्म स्वरूपनी गंगा को मैं अखिल विश्व की रक्षा करने के लिए लीलापूर्वक अपने मस्तक पर धारण करता हूँ। विष्णु, जो गंगा जी का सेवन करता है उसने सब तीर्थों में स्नान कर लिया, सब यज्ञों की दीक्षा ले ली और संपूर्ण व्रतों का अनुष्ठान पूरा कर लिया। कालयुग में कलुषित चित्त वाले
प्राय धन का लोभ रखने वाले तथा विधिहीन कर्म करने वाले मनुष्यों के लिए गंगा जी के बिना कोई दूसरी गति नहीं है। जो दूर रहकर भी गंगा जी के महात्म्य को जानता है और भगवान गोविंद में भक्ति रखता है, वह अयोग्य हो तो भी गंगा उस पर प्रसन्न होती है। अज्ञान, राग और लोभ आदि से मोहित चित्त वाले पुरुषों की धर्म और गंगा में विशेष श्रद्धा नहीं होती। गंगा के घर में महा तेज स्वरूप अग्नि है, वह मेरे तेज से सुरक्षित है। अतः सब दोषों को जलाने वाली तथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाली है। जैसे वज्र का मारा हुआ पर्वत सैकड़ों टुकड़ों में बिखर जाता है, उसी प्रकार पापों का समूह गंगा के स्मरण मात्र से श्रद्धा नष्ट हो जाता है। जो चलते, खड़े होते, जप और ध्यान करते, खाते, पीते, जागते, सोते तथा बात करते समय भी सदा गंगा जी का स्मरण करता रहता है, वह संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जो पितरों के उद्देश्य से भक्ति पूर्वक गुड़, घी और तिल के साथ मधुयुक्त खीर गंगा में डालते हैं, उनके पितर 100 वर्ष तक तृप्त बने रहते हैं और वे संतुष्ट होकर अपनी संतानों को नाना प्रकार की मनवांछित वस्तुएं प्रदान करते हैं। जैसे बिना इच्छा के भी स्पर्श करने पर आग जला ही देती है, उसी प्रकार अनिच्छा से भी अपने जल में स्नान करने पर गंगा मनुष्य के पाप को भस्म कर देती है। जो गंगा स्नान के लिए उद्यत होकर चलता है और मार्ग में ही मर जाता है, वह भी निस्संदेह गंगा स्नान का फल पाता है। जो लोग खोटी बुद्धि वाले, दुराचारी, कोरा तर्क करने वाले और अधिक संदेह रखने वाले मोहित मनुष्य हैं, वे गंगा को अन्य साधारण नदियों के समान ही देखते हैं। जैसे क्रोध से तप का, काम से बुद्धि का, अन्याय से लक्ष्मी का, अभिमान से विद्या का तथा पाखंड, कुटिलता और छल कपट से धर्म का नाश होता है, उसी प्रकार गंगा जी के दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे मंत्रों में ओंकार, धर्मों में अहिंसा और कमनीय वस्तुओं में लक्ष्मी श्रेष्ठ है तथा जिस प्रकार विद्याओं में आत्मविद्या और स्त्रियों में गौरी देवी उत्तम है, उसी प्रकार संपूर्ण तीर्थों में गंगा तीर्थ विशेष माना गया है। अरे, जो परम बुद्धिमान मनुष्य तुम में और मुझ में भेदभाव नहीं करता, वही शिव भक्त जानने योग्य है। अनेक रूप वाले पितर सदा वह गाथा गाते हैं कि क्या हमारे कुल में भी कोई गंगा नहाने वाला होगा जो विधि और श्रद्धा के साथ गंगा स्नान करके देवताओं तथा ऋषियों का भली भांति तर्पण करके दीनों, अनाथों और दुखियों को तृप्त करते हुए हमारे निमित्त जलांजलि देगा। हमारे कुल में कोई ऐसा पुरुष उत्पन्न हो जो भगवान शिव और विष्णु में समान दृष्टि रखते हुए उनके लिए मंदिर बनवाने और भक्ति पूर्वक उस मंदिर में झाड़ू देने आदि का कार्य करेगा। जो गंगा का सेवन करता है वही मुनि है, वही पंडित है, वह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि करके कृतार्थ जानने योग्य है। गंगा स्नान के लिए तिथि, नक्षत्र और पूर्व आदि दिशा का विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि गंगा में स्नान करने मात्र से समस्त संचित पाप का नाश हो जाता है। जो प्रतिदिन आदर से गंगा जी का महत्व सुनते हैं, उन्हें गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। जो पितरों के उद्देश्य से गंगा जल के द्वारा शिवलिंग को स्नान कराते हैं, उनके पितर यदि बड़े भारी नरक में पड़े हों तो भी तृप्त हो जाते हैं। जो एक बार भी तांबे के पात्र में रखे हुए अष्ट द्रव्य युक्त गंगा जल से भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं, वे अपने पितरों के साथ सूर्यलोक में जाकर प्रतिष्ठित होते हैं। जल, दूध, कुश का अग्रभाग, घी, मधु, गाय का दही, लाल कनेर तथा लाल चंदन, इन 8 अंगों से युक्त अष्टांग अर्घ्य बताया गया है। जो सूर्यदेव को अधिक संतुष्ट करने वाला है, चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण में, व्यतिपात योग में, विश्व योग में तथा दोनों आयनों में, मकर और कर्क की संक्रांति के दिन किया हुआ गंगा स्नान 1,00,000 गुना पुण्य देने वाला होता है। यदि सोमवार को चंद्र ग्रहण,
तथा रविवार का सूर्य ग्रहण हो तो चूड़ामणि नामक पर्व कहलाता है। उसमें किया हुआ गंगा स्नान असंख्य पुण्यदायक है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में हस्त नक्षत्र युक्त दशमी तिथि को स्त्री हो या पुरुष भक्ति भाव से गंगा जी के तट पर रात्रि में जागरण करें और 10 प्रकार के 10-10 सुगंधित पुष्प फल नैवेद्य 10 दीप और दिशांग धूप के द्वारा बुद्धिमान पुरुष श्रद्धार विधि के साथ 10 बार गंगा जी की पूजा करें। गंगा जी के जल में घृत सहित तिलों की 10 अंजलियां डालें, फिर गुड़ और सत्तू के 10 पिंड बनाकर उन्हें भी गंगा जी में डालें। वे सब कार्य मंत्र द्वारा होना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो शिवाय नारायणे दशहराय गंगाय स्वाहा। यह 20 अक्षर का मंत्र है। गंगा जी के लिए पूजा दान जप होम सब इसी मंत्र से करने योग्य है। इस प्रकार मंत्र उच्चारण के साथ धूप दीप आदि समर्पण करते हुए पूजा करके मुझ शिव का, तुम विष्णु का, ब्रह्मा का, सूर्य का, हिमवान पर्वत का और राजा भगीरथ का बड़ी भांति पूजन करें। 10 ब्राह्मणों को आदरपूर्वक 10 शेर तिल दें। इस प्रकार विधान से पूजा संपन्न करके दिन भर उपवास करने वाला पुरुष इन पापों से मुक्त हो जाता है। बिना दी हुई वस्तु को लेना, निषिद्ध हिंसा, पार स्त्री संगम, ये 3 प्रकार का देहिक पाप माना गया है। कठोर वचन मुंह से निकालना, झूठ बोलना, सब और चुगली करना और अंट शंट बातें करना, ये वाणी से होने वाले 4 प्रकार के पाप हैं। दूसरे के धन को लेने का विचार करना, मन से दूसरों का बुरा सोचना और असत्य वस्तुओं में आग्रह रखना, ये 3 प्रकार के मानसिक पाप कहे गए हैं। पूर्वोक्त प्रकार से दान पूजा और व्रत करने वाले पुरुष 10 जन्मों में उपार्जित इन 10 प्रकार के पापों से निस्संदेह छूट जाता है। तंत्र गंगा जी के सम्मुख श्रद्धापूर्वक इस स्तोत्र को पढ़ें। ओम शिव स्वरूपा श्री गंगा जी को नमस्कार है। कल्याणदायिनी गंगा को नमस्कार है। देवी गंगे आप विष्णु रूपनी हैं, आपको नमस्कार है। ब्रह्म स्वरूपा आपको नमस्कार है। रुद्र रूपनी आपको नमस्कार है। शंकर प्रिया आपको नमस्कार है, नमस्कार है। देव स्वरूपनी आपको नमस्कार है। ओष्ठी रूपा आपको नमस्कार है। आप सबके संपूर्ण लोगों की श्रेष्ठ वैद्या हैं, आपको नमस्कार है। स्थावर और जंगम प्राणियों से प्रकट होने वाले विष का आप नाश करने वाली हैं, आपको नमस्कार है। संसार रूपी विष का नाश करने वाली जीवन रूपा आपको नमस्कार है। आध्यात्मिक, अधिदेविक और अधिभौतिक 3 प्रकार के क्लेशों का संहार करने वाली आपको नमस्कार है। प्राणों की स्वामिनी आपको नमस्कार है, नमस्कार है। शांति का विस्तार करने वाली शुद्ध स्वरूपा आपको नमस्कार है। सबको शुद्ध करने वाली तथा पापों की शत्रु स्वरूपा आपको नमस्कार है। भोग मोक्ष तथा कल्याण प्रदान करने वाली आपको बार बार नमस्कार है। भोग और उपभोग कर देने वाली भोगवती नाम से प्रसिद्ध आप पाताल गंगा को नमस्कार है। मंदाकिनी नाम से प्रसिद्ध तथा स्वर्ग प्रदान करने वाली आप आकाश गंगा को बार बार नमस्कार है। आप भूतल, आकाश और पाताल 3 मार्गों में जाने वाली और 3 लोकों की आभूषण स्वरूपा है, आपको बार बार नमस्कार है। गंगा द्वार, प्रयाग और गंगा सागर संगम, इन 3 विशुद्ध तीर्थ स्थानों में विराजमान आपको नमस्कार है। क्षमावती आपको नमस्कार है। गृहपत्य आवाहनी और दक्षिण अग्नि रूप विविध अग्नियों में स्थित रहने वाली तेजोमयी आपको बार बार नमस्कार है। आप ही अलकनंदा हैं, आपको नमस्कार है। शिवलिंग धारण करने वाली आपको नमस्कार है। सुधा धारामयी आपको नमस्कार है। जगत में मुख्य सरिता रूप आपको नमस्कार है। रेवती नक्षत्र रूपा आपको नमस्कार है। बृहती नाम से प्रसिद्ध आपको नमस्कार है। लोगों को धारण करने वाली आपको नमस्कार है।
संपूर्ण विश्व के लिए मित्र रूपा आपको नमस्कार है। सबको समृद्धि देकर आनंदित करने वाली आपको बारंबार नमस्कार है। आप पृथ्वी रूपा हैं, आपको नमस्कार है। आपका जल कल्याण में है और आप उत्तम धर्म स्वरूपा हैं, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। बड़े छोटे सैकड़ों प्राणियों से सेवित आपको नमस्कार है। सबको तारने वाली आपको नमस्कार है, नमस्कार है। संसार बंधन का उच्छेद करने वाली अद्वैत रूपा आपको नमस्कार है। आप परम शांत सर्वश्रेष्ठ तथा मनवांछित वर देने वाली हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप परले काल में उग्र रूपा हैं, अन्य समय में सदा सुख का भोग करने वाली हैं, कराने वाली हैं तथा उत्तम जीवन प्रदान करने वाली हैं, आपको नमस्कार है। आप ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म ज्ञान देने वाली तथा पापों का नाश करने वाली हैं, आपको बार बार नमस्कार है। प्रलत जनों की पीड़ा का नाश करने वाली जगन माता, आपको नमस्कार है। आप समस्त विपत्तियों के शत्रु भूता तथा सबके लिए मंगल स्वरूपा हैं, आपके लिए बार बार नमस्कार है। शरणागतों दीनों तथा पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली और सबकी पीड़ा दूर करने वाली देवी नारायणी, आपको नमस्कार है। आप पाप ताप अथवा अविद्या रूपी मन से मल से निर्लिप्त दुर्गम दुख का नाश करने वाली तथा दक्ष हैं, आपको बार बार नमस्कार है। आप पर और अपर सबसे परे हैं, मोक्ष दायिनी गंगे, आपको नमस्कार है। गंगे आप मेरे आगे हों, गंगे आप मेरे पीछे रहें, गंगे आप मेरे उभय पार्श्व स्थित हो तथा गंगे आप मेरे आप में ही स्थित हो, मेरी आप में ही स्थिति हो। आकाश कामनी कल्याण में गंगे, आदि मध्य और अंत में सर्वत्र आप हैं। गंगे आप ही मूल प्रकृति हैं, आप ही परम पुरुष हैं तथा आप ही परमात्मा शिव हैं। शिवे आपको नमस्कार है। जो श्रद्धा पूर्वक इस स्तोत्र को पढ़ता है और सुनता है, वह मन वाणी और शीर द्वारा होने वाले पूर्वोक्त 10 प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। यह स्तोत्र जिसके घर में लिखकर रखा गया हो, उसे कभी अग्नि चोर और सर्प आदि का भय नहीं होता। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में हस्त नक्षत्र सहित 10वीं तिथि का यदि बुधवार से योग हो तो उस दिन गंगा जी के जल में खड़े होकर जो 10 बार स्तोत्र का पाठ करता है, वह दरिद्र हो या असमर्थ, वह भी उस फल को प्राप्त होता है जो पूर्वोक्त विधि से यत्न पूर्वक गंगा जी की पूजा करने पर उपलब्ध होने वाला बताया गया है। विष्णु, जैसे मैं हूं वैसे तुम हो, जैसे तुम हो वैसी उमा देवी है और जैसी उमा देवी है वैसी गंगा है। इन चारों रूपों में कोई भेद नहीं है। स्कंद पुराण के काशी खंड के पूर्वार्ध में गंगा जी की महिमा में भगवान शिव कहते हैं, जो तीनों लोकों में प्रभावित होने वाली गंगा जी के तट पर जाकर एक बार भी पिंड दान करता है, वे तिल मिश्रित जल के द्वारा अपने पितरों का भव सागर से उद्धार कर देता है। संपूर्ण देवता और पितर गंगा जी में सदा वर्तमान रहते हैं, इसलिए वहां उनका आवाहन और विसर्जन नहीं होता। पिता के कुल में अथवा माता के कुल में तथा गुरु ससुर और भाई बंधुओं के कुल में जो अपने संबंधी मरे हों तथा जो अन्य बंधु बांधव मृत्यु को प्राप्त हुए हों, जो दांत निकलने के पहले अथवा गर्भ में ही पीड़ित होकर मरे हों, जो अग्नि बिजली और चोर के द्वारा मरे हों, जो व्याघ्र अथवा अन्य दाणों वाले हिंसक जीवों से मारे गए हों, जो फांसी लगाकर या ऊपर से नीचे गिरकर मरे हों, जिन्होंने आत्मघात किया हो अथवा जो अपना शेर बेचने वाले चोर, यज्ञ के अन्य अधिकारियों से यज्ञ कराने वाले, रस विक्रयी, पाप रोगी, घरों में आग लगाने वाले, जहर देने वाले अथवा गो हत्यारे रहे हों और अपने कुल में ही उनका जन्म हुआ रहा हो, उनको भी यदि एक बार मनुष्य विधि पूर्वक गंगा जल से तर्पण करे तो भी वे स्वर्ग लोक में पहुंच जाते हैं और यदि पहले से स्वर्ग में हो तो मोक्ष को प्राप्त होते हैं।
तीनों लोकों में जो कोई भी मनवांछित फल देने वाले हैं वे सब काशी में उत्तर वाहिनी गंगा का सेवन करते हैं। केवल गंगा भी मुक्ति देने में समर्थ है, ऐसा निर्णय हो चुका है, किंतु अभी मुक्त क्षेत्र में मेरे निवास स्थान के गौरव से वे विशेष रूप से मुक्ति दायिनी होती है। पापों से चंचल चित्त वाले तथा संसार रूपी रोग से ग्रस्त रहने वाले मंद बुद्धि मनुष्यों के लिए गंगा जी ही सर्वश्रेष्ठ हैं। जो गंगा जी के तट पर टूटे फूटे घाटों का संस्कार करते हैं अथवा वहाँ के गिरे पड़े देव मंदिरों का जीर्णोद्धार करते हैं वे मेरे लोक में चिरकाल तक अक्षय सुख भोगते हैं। मनुष्यों की हड्डी जब तक गंगा जी के जन्म स्थित रहती है उतने हजार वर्षों तक वे स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होते हैं। स्कंद जी कहते हैं, मुनिवर अगस्त, वस्तु शक्ति का ये विचार अद्भुत एवं अनिर्वचनीय है। गंगा जी द्रव के रूप में भगवान सदाशिव की कोई पराशक्ति हैं। कर्णारूपी अमृत रस से भरे हुए देवादिदेव भगवान शंकर ने समस्त संसार का उद्धार करने के लिए ही गंगा जी को प्रवृत्त किया है। मुने, गंगाधर शिव ने देयावास श्रुतियों के अक्षरों को निचोड़कर उस ब्रह्म द्रव से ही गंगा का निर्माण किया है। जो गंगा जी के तट की मिट्टी को अपने मस्तक पर लगाता है उसका अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है। गंगा अपने नाम का कीर्तन करने से पुण्य की वृद्धि और पाप का नाश करती है। दर्शन स्पर्श जलपान तथा उसमें स्नान करने से क्रमशः 10 गुना फल होता है, ऐसा जानना चाहिए। ऋषियों द्वारा सेवित भगवान विष्णु के चरणों से उत्पन्न अति प्राचीन तथा परम पुण्यमी धारा से युक्त भक्ति गंगा की जो लोग मन से शरण लेते हैं वे ब्रह्म धाम को प्राप्त होते हैं। जो माता की भांति इस संसार के जीवों को पुत्र मानकर सदा उन्हें स्वर्ग लोक को पहुंचाती है और संपूर्ण उत्तम गुणों से संपन्न है, उत्तम ब्रह्म लोक की इच्छा रखने वाले जितेंद्र पुरुषों को सदा ही उस गंगा की उपासना करनी चाहिए। जैसे ब्रह्म लोक सब लोकों में उत्तम है, उसी प्रकार गंगा समस्त सरिताओं और सरोवरों में श्रेष्ठ है। गंगा के जल में स्नान करने वाले पुरुष का समस्त पातक तत्काल नष्ट हो जाता है और उसे उसी क्षण महान श्रेय की प्राप्ति होती है। गंगा में पुत्र पौत्र आदि यदि अपने पितरों के लिए श्रद्धापूर्वक जल देते हैं तो उस जल से वे पितर 3 वर्षों तक पूर्णतः तृप्त रहते हैं।